हेलो दोस्तों, कुकिंग हिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, या फिर इसे खट मीठी भी बोल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको इस वीडियो में बनाकर दिखाए हैं, तो इसे देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 500 ग्राम इमली लिए हैं और यहाँ पर हम पानी दोनों एक साथ डाल के इसे करीब एक घंटे के लिए रहने देंगे। ऐसे ही अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे भी रख सकते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे 1 से 2 घंटे बाद। यहाँ पे देखिए 1 से 2 घंटे बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है पानी में। ये देखिए ऐसे मिक्स करने पर ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जा रही है। तो आप इसके रेसे जितने संभव हो उतने निकाल दें, या फिर ऐसे ही आप डाल दें किसी बाउल में या फिर कढ़ाई में, बड़ा सा बर्तन में आप डालें और फिर गैस पे चढ़ाएं और इसे इसमें बहुत अच्छे से उबाल आने दें। उबाल आ जाए फिर आप इसे चलाते रहें बीच बीच में। तो करीब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम उबालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हम उबाल रहे हैं, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है और इसे हम 3 मिनट के लिए करीब उबाले हैं। ये देखिए, तो जब ये अच्छी तरह से उबल जाएगी, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब जैसे जैसे ये उबलेगा इसका कलर में डार्कनेस आती जाएगी। तो ये पहचानने का तरीका है, इसके बीज और इससे दोनों सब अलग होने लगते हैं। तो यहाँ पे हम गैस अब बंद कर देंगे। जैसे ये और ठंडा होगी तो और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगी। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो हमें इसे मिक्सी में डालकर एक अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप बीज और इसे रहने दें, बाद में आप छानेंगे तो निकल जाएंगे। अगर संभव हो तो आप इसके बीज निकाल सकते हैं। इसमें 2-3 चम्मच पानी डालकर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपके जो पेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है तो आप पानी नहीं ऐड करें, लेकिन जो हमारा केस है बहुत ही ज़्यादा ठीक है इसलिए हम पानी ऐड किए हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे किसी छन्नी में छान लेंगे। जो इसके रेसे और बीज है वो हमें नहीं चाहिए, तो इस तरीके से छानने से वो अपने आप बाहर हो जाएंगे और इमली का जो पल्प्स है वो साइड हो जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वो कैसा बना। तो ये देखिए बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार है। तो अब हम गैस की तरफ चलेंगे और गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। वही वाली सेम कढ़ाई है जिसमें हम इमली को उबाले थे, उसमें हम 1 चम्मच के करीब हम तेल रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच आप रखते। और यहाँ पे हम 1/2 चम्मच जीरा और फिर 1/2 चम्मच हम सौंफ दोनों ऐड करेंगे। दोनों को हम चटकने देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से तेल में आ जाए। आप यहाँ पे हींग भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसमें इमली के जो पल्प्स हैं उसे ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम जो है आप यहाँ पे मीडियम टू हाई रखें, जब ज़रूरी पड़े तो आप हाई कर दें, फिर जब अच्छे से उबाल आ जाएगी इसमें तो आप मीडियम कर दें। तो यहाँ पे उबाल आना शुरू है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से 1 मिनट उबालने के बाद 50 ग्राम गुड़ लिए हैं, यानी जितना हम इमली लिए थे उतना ही जागरी लिए हैं। तो आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ की जो क्वांटिटी है कम बेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च, ऐड करके मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे ऐड करने से बहुत ही बढ़िया
इसका कलर और फ्लेवर दोनों आती है। यहाँ पे करीब इसे हम 3 से 4 मिनट और उबालेंगे, यानी जो भी आप छन्नी लगाए, इसमें बर्तन लगाए, दोनों साइड से जब कोटिंग होने लगे इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, तो फिर आप गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दें और ठंडा होने के बाद किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसे किसी जार में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं, कई महीनों तक आप रखेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और ये गजब की टेस्टी लगती है, बहुत मुझे पसंद है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।